अच्छी है, कॉमेडी है, सारा और विकी की केमिस्ट्री अच्छी है। थोड़ा सा ओवर द टॉप उनका एक्टिंग है, नहीं दोनों की केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, और बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही रिलेटेबल है। हाँ, टाइटल शूट कर रहा था, मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी है, बहुत अच्छी लगी, बहुत मजेदार मूवी है। द स्टोरी इज आल्सो गुड, इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी टाइप स्टोरी। फोर रेटिंग दिस इज Very good. 4 star. मैं मूवी को 3 stars दूंगा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, इसको और भी ज्यादा एंगेजिंग बनाया जा सकता था, बट इट इज डेफिनेटली वन टाइम वॉच। 3 5 आउट ऑफ 5 4 एंड अ हाफ फर्स्ट डे फर्स्ट शो पब्लिक रिव्यू ऑफ राहत के इस रबच के। हाँ, टाइटल शूट कर रहा था, मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी है, वो घर खरीदने जाते हैं तो क्या क्या पापड़ मिलने पड़ते हैं। सेकंड अब बेटर है फर्स्ट हाफ से, और मिडिल क्लास फैमिली को टच ही है, क्योंकि वही बॉलीवुड लड़का नहीं है ना आजकल, पब्लिक ऑडियंस को जो है आजकल ऑडियंस को चाहिए गाना सब आइटम सॉन्ग वगैरह वो सब नहीं है ना उसमें। देखिए स्टोरी तो वही है, पहले भी बहुत बार स्टोरी में काफ़ी मूवी बन चुकी है, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है, मॉडर्न ट्विस्ट है, अच्छी है, ओवरऑल एक्टिंग अच्छी है, लेकिन इंटरवल के बाद थोड़ा वही रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, इमोशनल रोना धोना फैमिली ड्रामा वगैरह वो सब। नहीं दोनों की केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, मतलब स्क्रीन पे ऐसा भाई बहन टाइप फीलिंग आ रही थी, हीरो हीरोइन टाइप नहीं आ रही थी। काफ़ी सारी पुरानी मूवीज़ की फ्लैशेस मेरी आंखों के सामने आ गए, और बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही रिलेटेबल है, क्योंकि जो इसके डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि रियल लाइफ स्टोरी चल रही है आपकी आंखों के सामने। तो मुझे मूवी बहुत पसंद आई, और जो जैसे मैंने कहा कि बहुत रियलिस्टिक सेटअप लगता है, तो आई थिंक इंदौर में ये शूट की गई है, और जो भी इसकी सिनेमेटोग्राफर राघव रामादास, उन्होंने वही रियल लाइफ सेटिंग्स रखी हैं, किस तरह मिडिल क्लास वैल्यूज़, किस तरह लोग संघर्ष करते हैं, वो बहुत अच्छा दिखाया गया है। अच्छी है, कॉमेडी है, थ्रिलर है, ड्रामा है, रोमांस है, सब है। मूवी इज़ वेरी नाइस, इट्स अ फर्स्ट टाइम पेयर टुगेदर विकी कौशल एंड सारा अली खान, एंड दे आर पेयरिंग वेरी नाइसली, एंड द स्टोरी इज आल्सो गुड, इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी टाइप स्टोरी, और इसमें दिखाया कि किस तरह से इट्स अ रियल बेस्ड स्टोरी दिखाई है मैरिड कपल्स की, जो मतलब कैसे वो जीते हैं, मतलब प्यार भी दिखाया है, फाइटिंग दिखाई है, फिर डिवोर्स तक बन जाती है, डिवोर्स के बाद भी उनका प्यार जारी रहता है तो वो सब दिखाया। सारा और विकी की केमिस्ट्री अच्छी है, पिक्चर मिडिल क्लास पर है, और सच्चाई जो है अभी वो इसमें बताइए। फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा लगा, सेकेंड हाफ थोड़ा इमोशनल है लेकिन अच्छी है। सीखने का महत्व इसमें दिखाया है कि हम लोग घर घर के लिए पागल होते हैं, घर के लिए परिवार छोड़ देते हैं, लेकिन लास्ट में परिवार ही काम आता है, घर काम नहीं आता। बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ेदार मूवी है, आई वुड जेन्युइनली कम एंड वॉच इट अगेन, एंड फैमिली मूवी है, बहुत हंसी मजाक, गाने बहुत अच्छे हैं, वेरी एंजॉय। मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी है, वन टाइम वॉच है, थोड़ा सा ओवर द टॉप उनका एक्टिंग है, थोड़ा ओवर एक्टिंग हो जाता है, लेकिन वन टाइम वॉच एज अ फैमिली अच्छा है।